नमस्कार दोस्तों, मैं सनातन संस्कृति ना आदि ना अंत चैनल से आपका अपना अमित। आज माता अनसुईया के बारे में जानते हैं। माता अनसुईया ने भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश को शिशु बना दिया था। कैसे, चलिए जानकारी लेते हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर में पहले एक अरण नाम का वन था जो बहुत ही विशाल था। इसी वन में ऋषि अत्रि और उनकी धर्म पत्नी माता अनसुईया का आश्रम था। ऋषि अत्रि सप्तऋषियों में से एक हैं। वह माता अनसुईया की पवित्रता स्त्री कहा जाता है। दोनों की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार नारद मुनि ने माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती को यह संदेश देने के लिए कि विश्व में माता अनसुईया से बड़ी कोई प्रतिवर्ता स्त्री नहीं है, उनके पास गए और उनके सामने माता अनसुईया की पवित्रता का बखान किया। नारद मुनि के मुख से यह सुनकर तीनों माताओं के मन में आशंका और ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हुई। तीनों अपने अपने पति के पास गईं और माता अनसुईया के प्रतिवर्ता धर्म की परीक्षा लेने को कहा। भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु ने अपनी पत्नियों की बात मान ली। एक दिन जब महर्षि अत्रि हिमालय पर्वत पर तप करने बाहर गए हुए थे, तब त्रिदेव ब्राह्मण वेश धारण कर उनके आश्रम आए। उस समय माता अनसुईया स्नान कर रही थी। तीनों ने माता से भिक्षा मांगी। इसके साथ ही उन्होंने उन्हें उसी तरह नग्न अवस्था में बाहर आने को कहा। माता अनसुईया यह सुनकर बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई और उन्होंने अंतर्मन से यह जान लिया कि बाहर ब्राह्मण रूप में त्रिदेव हैं जो उनकी परीक्षा लेने आए हैं। किंतु उन्हें पतिव्रता धर्म और ब्राह्मण धर्म दोनों का पालन करना था। यदि वे नग्न अवस्था में बाहर आ जाती तो पतिव्रता धर्म का पालन नहीं होता, वह यदि वे उन्हें मना करती तो ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं होता। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने विवेक से काम लिया और अपने तप से तीनों देवों को 6 महीने के एक शिशु में परिवर्तित कर दिया। इसके बाद माता अनसुईया उसी अवस्था में बाहर आई। वह तीनों को शिशु रूप में देखकर उनका मामत्व जाग उठा। उसके बाद उन्होंने तीनों शिशुओं को दूध पिलाया, उन्हें खाना खिलाया और पालने में सुला दिया। माता का दूध पीने के पश्चात तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो गए। कुछ समय बीत जाने के पश्चात भी जब तीनों देव अपने अपने निवास स्थान तक नहीं पहुँचे तो दोनों तीनों देवियों को चिंता सताने लगी। तीनों देवियाँ नारद मुनि के साथ माता अनसुईया के आश्रम में पहुँची। वह अपने अपने पति के बारे में पूछा। तब माता अनसुईया ने पालने में सोए हुए शिशुओं की ओर इशारा करके बताया। यह देखकर तीनों देवियां बहुत व्याकुल हो उठी। वह माता अनसुईया से उन्हें पुनः उसी रूप में लाने की प्रार्थना की। देवियों के अनुरोध के बाद माता अनसुईया ने अपने तप से फिर से तीनों शिशुओं को पुनः वही रूप प्रदान किया। भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा माता अनसुईया के पतिव्रता धर्म और बुद्धिमत्ता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। वह उन्हें वरदान मांगने को कहा। माता अनसुईया ने उनसे प्रतीक स्वरूप तीनों के बालक रूप उसी आश्रम में स्थापित करने को कहा। स्थानीय मलायण मंदिर माता का यह वरदान त्रिदेव ने पूरा किया। वह आज उस स्थान पर एक विशाल मंदिर स्थित है जिसका नाम स्थानु मलायण मंदिर है। इसमें स्थानु भगवान शिव को, मल भगवान विष्णु को व आयन भगवान ब्रह्मा को रेखांकित करता है। यह मंदिर तमिलनाडु के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है जो कन्याकुमारी से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों।